नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और वो जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हम कई दफ़ा बीमार पड़ते हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन अभी जो हालात है, अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में हॉस्पिटल में बेड नहीं है। तो आपको सब पता है अभी देश का, पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का क्या हाल है। तो दोस्तों, हमें कब हॉस्पिटल जाना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। कई बार हमें एक छोटी सी तकलीफ होती है तो हम हॉस्पिटल चले जाते हैं या डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, लेकिन कौन सी स्थिति में हमें जाना है और नहीं जाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेरी वाइफ को जब हॉस्पिटल ले गए कोरोना वायरस का, उसको जब इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आप घर पे रहो। और हम जब शाम को हॉस्पिटल गए थे और रात 3 बजे डिस्चार्ज कर दिया, मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट करके वापस घर भेज दिया, हॉस्पिटल में रखा नहीं, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि हॉस्पिटल आपके लिए सेफ नहीं है। अभी जो ये वायरस का इन्फेक्शन है वो हॉस्पिटल से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ सारे वही पेशेंट आएंगे, तो जितने भी जाएंगे उनको वो इन्फेक्शन लगता जाएगा। तो बेटर है आप घर पे रहें। तो हमें कब जाना है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हमें घर पे एक किट रखना है और उसे हमें पता लगाना है कि हमें हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो अपने आप वो ठीक हो जाती है कुछ दिनों में, कुछ हमें खाने पीने में, एक्सरसाइज में वगैरह में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है तो हो जाता है। लेकिन कब जाना है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले हमें देखिए, मैंने अभी एक पूरा किट बनाया है, पहले मेरे पास नहीं था, अभी है, तो मैंने सोचा आपको भी शेयर करूँ, आपको भी बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट ये सब यही बात कर रहे हैं। मैंने रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर साइंटिस्ट जो बता रहे हैं, जो साइंस हमें कहता है, वही उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा किट है, इसमें जो जो है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको घर पे रखनी है और आपको चेक करना है। तो हम शुरू करते हैं। पहले ये पल्स ऑक्सीमीटर है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको मार्केट में ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद ये ग्लूकोमीटर, हमारी शुगर, डायबिटीज, उसका रीडिंग लेने के लिए ये, क्योंकि घर में अगर कोई किसी को शुगर है या ओल्ड एज है उनको भी है तो ये तो रखना पड़ेगा। उसके बाद बीपी, तो ये मार्केट में सब मिलता है, ये भी हमें रखना है, हमारा बीपी कितना है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये बाकी की चीज़ मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये जो इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी सारे डॉक्टर यही बता रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, कब जाना है। अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया तो भी वो घर पे ठीक हो जाएगा, लेकिन कब जाना है, आपको डर लगता है इसकी वजह से आप हॉस्पिटल जाने लगते हैं या डॉक्टर को फोन करते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाता है। कब जाना है वो आपको पता लगाना है, क्योंकि इसे पता लग जाता है कि आपको हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, सिर्फ ये बहुत सिंपल है, आपको उंगली पे रखना है। आपने देखा होगा, आप हॉस्पिटल गए होंगे तो अभी सारे डॉक्टर सारे हॉस्पिटल में पहले यही चेक करते हैं। तो देखिए, ये चालू हो गया, अभी इसमें आप देख सकते हैं ये जो देखिए, ये
ये रीडिंग आपने देखा, तो ये जो 98 मेरा SpO2, मेरा ऑक्सीजन लेवल अभी 98 है, तो डॉक्टर का कहना है 92 से कम, अगर 91, 90 या फिर उससे भी कम है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, 92 से कम तो फिर जाना है, और 96 से 92 के बीच में वो नॉर्मल होता है। तो अभी ये मेरा 97, 98 ऐसा, और ये पल्स आपने देखा, मेरा जो हार्ट बीट है वो मेरा अभी 100 आता है, 100 से ऊपर ही आता है, क्यों उसका रीजन मैं बताता हूँ। तो जिसको भी कोरोना हुआ था, मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, कोरोना वायरस तो ठीक हो गया, 2 महीने हो गए, लेकिन अभी भी मेरा हार्ट बीट जो है वो हाई रहता है, और जितने लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ उन सबको ऐसा ही है, उनका नॉर्मल नहीं होता, वो 100 से अप होता है। तो ये कितने दिन या कितने टाइम रहेगा अभी तो उसका पता नहीं है, क्योंकि अभी 2 महीने से मेरा हाई है, मेरी वाइफ का भी हाई है, मेरे मदर का भी ऐसा ही, सबका हार्ट बीट हाई है। तो अभी हम थोड़ा फास्ट चलते हैं तो सांसें फूल जाती है, अभी भी हम कुछ ऐसे साइड में जैसे सोने में तो सांस फूलने लगती है, थोड़ा होता है क्योंकि ये रिकवर होने में टाइम लगता है। तो ये इसका ये फायदा है कि अगर हमारा 92 से कम है ऑक्सीजन लेवल तो फिर हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। दूसरा एक ऑप्शन है, या तो आप ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल जाएंगे या घर पे ऑक्सीजन रखेंगे, मतलब आप ऑक्सीजन का सिलेंडर वो आप घर पे रख सकते हैं, वो महंगा भी आता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से बेटर है आप घर में रख सकते हैं, अगर जो चीज़ हमें जरूर है वो तो लेनी पड़ेगी। तीसरी बात है, पहला हॉस्पिटल जाना, दूसरी बात ऑक्सीजन घर पे रखना, तीसरी बात जब ऑक्सीजन लेवल कम हो तो आप क्या करेंगे, सांस लेने में दिक्कत है, तो एक नेचुरल मतलब कुदरत ने भी हमें ऐसे सिस्टम बनाई है शरीर में कि हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो जब आपको ऑक्सीजन लेवल कम लगे तो क्या करना है, आपको कुछ अपने पोजीशन चेंज करनी है, मतलब आपको उल्टे सोना है या सीधे सोना है या साइड में सोना है या बैठना है, आपको ये सारी पोजीशन में अलग अलग पोजीशन में रहना है। जिस पोजीशन में भी आपको ऐसा लगे कि मुझे अच्छा फील हो रहा है तो उस पोजीशन में आपको रहना है, क्योंकि उसे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, एक कुदरत का एक हमारे अंदर एक सिस्टम फिट किया हुआ है। जैसे मुझे जो कोरोना वायरस में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मैं हॉस्पिटल नहीं गया क्योंकि इतना भी वो नहीं था इश्यू, तो मैं सीधा ही ऐसे लेटे रहता था 24 आवर्स, तो मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रही, लेकिन मैं जब साइड में घूमता था दोनों साइड में तो मुझे ड्राई कफ बहुत हो जाती थी और सांस लेने में दिक्कत होती थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी होती है, मैं साइड में ऐसे नहीं सो सकता। तो हमें क्या करना है कि जिस पोजीशन में हम सांस ले सकते हैं नॉर्मल, उस पोजीशन में हमें रहना है, और फ्रेश हवा और सनलाइट वो तो अपन हमें वो बहुत ज़रूर है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो हमें ये भी हम कर सकते हैं घर पे, हमारा BP चेक कर सकते हैं, तो ये उसका भी कुछ बैठ के करना है, मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ, हमें बैठ के या फिर चल के दौड़ के भाग के आए एक्सरसाइज करके, तब हमारा रीडिंग परफेक्ट नहीं आता है। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, ये घर पे हम कर सकते हैं।
इसके बाद ये देखिए हमें हमारा शुगर कितना है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि जिसको अगर शुगर की तकलीफ है तो फिर उसके लिए भी ये करना जरूरी है। देखिए मैंने अभी खाना नहीं खाया, मैं अपना दिखाता हूँ। ये मशीन कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। ये उसका सारा किट ये हॉस्पिटल से या फिर केमिस्ट से या डॉक्टर कहीं से भी ये तो हमें मिल जाएगा। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। ये जब हम इसको अंदर डालेंगे मशीन अपने आप चालू हो जाएगा। फिर ये बहुत ही ये सुई बारीक होती है, इसके अंदर हमें इसे डालनी है और इसको कैप को बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ लेवल होता है, कितनी सुई उंगली के अंदर जाए वो उसका लेवल यहाँ होता है, देखिए। और इसको हमें खींचना है, स्प्रिंग होती है वो ऊपर चली जाएगी। उसके बाद हमें उंगली को पहले अच्छी तरह से साफ करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा रहता है, वायरस बैक्टीरिया घुस जाएगा, तो हमें साफ करके करना है। मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मैं कैमरे के सामने नहीं दिखाऊंगा। मैं अभी ये हो गया, मैंने अभी इंजेक्शन लगा दिया, ये मेरा ब्लड भी बाहर आ गया, ब्लड दिखा नहीं सकता मैं। और अब मैंने इसके ऊपर में मैंने रख दिया। अब देखिए ये काउंट शुरू हो गया। अब देखिए 6.1 आया, क्योंकि आप जब सुबह करेंगे, दोपहर को, शाम को, तो अलग अलग रीडिंग आएंगे। खाने के बाद करेंगे, बिना खाए करेंगे, रात को आपने क्या खाया था, कितने घंटे के बाद आप सुबह करेंगे, तो रीडिंग थोड़ा थोड़ा और डिफरेंस आता है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे जो मैंने ये बताई थी। पहला ऑक्सीजन चेक करना है, हमारा बीपी चेक करना है, हमारा शुगर चेक करना है, और हमारा पल्स रेट, हार्ट बीट कितना है वो हमें चेक करना है। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट में ये चीज़ें हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा अगर आपकी शुगर हाई है, ऑक्सीजन लेवल कम है, बीपी आपका हाई है या डाउन है, तभी आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर वो सब नॉर्मल है और आपको कोई तकलीफ है तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना भी है तब भी वो घर पे ही वो 4-5-6 दिन में ठीक हो जाएगा, या 1-2 वीक में आप कंप्लीट हेल्थी हो जाएंगे। तो अभी मैंने कुछ इसमें देखिए, मेरे जो मैं ट्रीटमेंट करता था सुजोक एक्यूप्रेशर थेरेपी का, ये इसका मशीन है। आप देखिए मशीन में भी लिखा हुआ है सुजोक। तो इसे हम अपने हाथ में सारे पॉइंट स्टिमुलेट कर सकते हैं, ये वाइब्रेट मशीन है। और उसके अलग अलग इसमें देखिए ये रिंग है, मैग्नेट, ये सब सारे काम की चीज़ है जो हमें रेगुलर वो करनी है, तो उसे हमारे बॉडी में बहुत फायदा होता है। इसका अलग से वीडियो होना चाहिए, इसमें मैं सारी बातें नहीं बता सकता। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक किट हमें घर पे बनाना है, रखना है। और एक बात इम्पोर्टेंट, आपको टेम्परेचर को भी देखना है, टेम्परेचर भी देखना है, उसके बाद ऑक्सीजन भी देखना है, बीपी भी देखना है, शुगर भी देखना है। ये सारी बात आपने देख ली तो फिर तय हो जाएगा आपको हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना। क्योंकि हॉस्पिटल में भी आप जब जाएंगे तो क्या होगा, पहले आपका टेम्परेचर, ऑक्सीजन, आपका पल्स
और बाकी तो ब्लड टेस्ट जो वो टेस्ट वो तो बाद में सब होते हैं, लेकिन इतना जब आप जाएंगे तो पहले यही से स्टार्ट होता है। इंडिया का भी पता नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ लंदन में तो ऐसा ही है। जब हम हॉस्पिटल में जैसे ही हम एंटर करते हैं, पहले हमें ऑक्सीजन लेवल और हमारा टेम्परेचर कंपलसरी है। पहले जैसे ही हम काउंटर पर पहुँचे तो वो पहले ही चेक कर लेते हैं हमारा टेम्परेचर। तो ये इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और शुगर, बीपी, ये सब अगर नॉर्मल है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज इतना ही, मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभी की स्थिति में। क्योंकि आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल से ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, और वहाँ से डॉक्टर के साथ बात करें इतना इम्पोर्टेंट है, तब भी जाना है, वरना आप डॉक्टर के साथ बात करके उनसे जो भी दवा लेनी है वो दवाइयाँ आप डॉक्टर आपको बोल देंगे फ़ोन पे ही कि आपको ये लेनी है। लेकिन छोटी छोटी बात के लिए आप हॉस्पिटल चले जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ से ज़्यादा फैलेगा। हॉस्पिटल में अभी इतनी जगह भी नहीं है और बहुत परिस्थिति अभी इतनी अच्छी भी नहीं है। तो दोस्तों आप घर पे रहिए, घर पे रहकर आप ये सब चेक कर सकते हैं, और अगर सब नॉर्मल है तो आप नॉर्मल है, बाकी चीज़ें तो थोड़ी छोटी मोटी होती रहती है, वो तो तकलीफ आएगी और चली भी जाएगी, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई ऐसे सीरियस नहीं हो जाता। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट भी करें ताकि हम अच्छी वीडियो बना सके। आपसे हमें जो कुछ सीखना है, आपसे कुछ हमें सजेशन मिलेगा तो हमें भी वीडियो ऐसी बनाने में मजा आएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि हमें क्या करना है, क्योंकि डर का माहौल है तो डर भी सबका निकालना है। डर की वजह से क्या क्या होता है वो आप सबको मालूम है। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।